नोट करिएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल पी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल पी, टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन टू द सर्कल. Two tangents PA and PB are PA and PB are drawn to the circle PA and PB are drawn to the circle with center O. Sir, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया. ये करवा दिया था क्या कर? Yes sir. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. एग्जांपल नंबर 19 करवाया था मैंने. 19 नहीं करवाया शायद. नो सर. ठीक है, 19 करवा दो. एग्जांपल नंबर 19 देखिएगा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. एग्जांपल नंबर 19 में है, टू टेंजेंट्स पीपी एंड पीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. टू टेंजेंट्स पीपी एंड पीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर drawn to a circle with the center and drawn to a circle with center O from an external point capital T, from an external point two tangents PP and PQ are drawn to a circle with center O from an external point from an external point capital T. Full stop. Prove that angle PTQ prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ, is equal to twice of angle OPQ. इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, डायग्राम कोई गिवन नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस है उसके हिसाब से डायग्राम बनाना होगा. ठीक है, तो क्या दे रखा है? टू टेंजेंट्स TP एंड PQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. तो एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल से मैं दो टेंजेंट बनाऊंगा TP और TQ. ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, तो TP और TQ में दोनों में कॉमन T दिखाई दे रहा है. इसका मतलब एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है कैपिटल T, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे. ठीक, ये सर्कल हो गया. ठीक है, टू टेंजेंट्स TP एंड PQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. सर्कल का सेंटर हो गया O. ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया T. यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करा ऐसे कि TP, दूसरा ड्रॉ करा ये हो गया TQ. TP और TQ दो टेंजेंट्स हो गए. उसके बाद एंगल PTQ, एंगल PEQ मतलब ये पूरा बड़ा एंगल, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, OPQ. मैं इसमें क्या करूंगा, मैं यहां पर O से P को ज्वाइन करूंगा, फिर O से Q को ज्वाइन करूंगा. O से P और O से Q को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हम ये जानते हैं कि कैसे इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये 93 का एंगल बनेगा. इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा. आप क्या करिए, P से O को और ज्वाइन कर दीजिए ऐसे. ठीक है, तो इसमें मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. वो
पी क्यू का मतलब क्या है कि पी और क्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, ये पी और क्यू को ज्वाइन कर लिया तो ये वाला जो एंगल है ये इसका डबल एंगल होगा ये वाला। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आप दोबारा देख लो, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब ये छोटा सा एंगल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर्कल का सेंटर थोड़ा अलग बना रहा हूँ, सर्कल का सेंटर थोड़ा सा यहाँ बना दिया, ये सेंटर O है, तो O P Q ट्वाइस ऑफ एंगल O P Q, मुझे प्रूव करना है कि P P Q ये बड़ा एंगल इस वाले एंगल के डबल के बराबर होगा, सही है? ठीक, तो ये चीज हमको प्रूव करनी है। अब ये जो प्रूव करना है इसमें मैं क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ वो देखेंगे जरा। हाँ जी बोलो। एंगल T किसके किसके एंगल O के नहीं, वो तो ठीक है। देखो क्या है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ऐसा होता है। हाँ जी, अब जरा देखिएगा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं इसमें कि मैं ये जानता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, सुनिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है? तो इन एंगल्स, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ, ठीक है? और फिर मुझे इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, अच्छा, और ये ठीक है। देखिए एक काम करते हैं हम ना, ये जो बीच वाला पॉइंट है इस बीच वाले पॉइंट को ले लेते हैं बेटा एम, इस पॉइंट को एम ले लिया हमने, बोलूंगा इन ट्रायंगल टी एम पी एंड टी एम क्यू, इस बीच वाले पॉइंट को आप हम ले लीजिए, हमें ये वाला एंगल देखना है कि ये वाले एंगल का डबल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है? आते हैं अभी इस पर, देखिए मैं ये कहूंगा इन ट्रायंगल टीएमपी एंड ट्रायंगल टीएमक्यू, फटाफट से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्वर्ट प्रूव करो, ट्रायंगल टी एम पी एंड ट्रायंगल टी एम क्यू, यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले बोलेंगे कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ठीक है? टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, रीजन में लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम टी, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम टी पहली चीज। उसके बाद आप ये देखिएगा कि TM is equal to TM. TM is equal to TM. ये हो गई कॉमन साइड और देखिएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यहां पर लिखिएगा एंगल एंगल PTM, मतलब ये वाला एंगल एंगल PTM, कल ही बताया था एंगल PTM 90 डिग्री, एंगल QTM सर 90 डिग्री भी बन रहा है, 90 डिग्री कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री इस रेडियस में और इसके बीच में टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन रहा है, मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं TMP, तो इसका मतलब पूरा 90 डिग्री नहीं ले सकते हम एंगल, समझ रहे हैं? ठीक है सर, 90 डिग्री बन रहा है इस OP और TP के बीच में, मुझे चाहिए MP और TP के बीच वाला एंगल, तो वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है? इसमें गलती मत कर देना। अब देखिएगा मैं ये कहूंगा एंगल पी टी एम मतलब ये एंगल और एंगल क्यू टी एम मतलब ये वाला एंगल, एंगल पी टी एम इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एम, और रीजन में लिखिएगा कि टेंजेंट फ्रॉम एम, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
tangents from an external point are equally inclined with the line joining are equally inclined with the line joining the center. ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर को लाइन ज्वाइन करती है ना, और इससे हर एक टेंजेंट ऊपर वाला टेंजेंट और नीचे वाला टेंजेंट के बराबर एंगल बनाता है, ठीक है। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस पर, लेकिन इस थ्योरम को यहाँ आप यूज कर सकते हैं। ये यूज करते ही मैं ये बोलूंगा कि PP is equal to PQ हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और नीचे वाली साइड जो है कॉमन हो गई। तो भाई ऐसे By SAS congruence criteria, triangle PNP is congruent to triangle PMQ. Triangle PMP is congruent to triangle TMQ. ठीक है, ये दो triangles congruent आ गए। अच्छा, अब congruent आने के बाद में फिर क्या लेंगे हम? देखिए, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, हम ये कहेंगे कि एंगल टीएमपी, इट इंप्लाइज दैट एंगल टीएमपी इज इक्वल टू एंगल टीएमक्यू, एंगल टीएमपी टीएमपी इज इक्वल टू एंगल टीएमक्यू, सीधे सीधी बाय सीधे सीधी आल्सो एंगल टीएमपी प्लस एंगल टीएमक्यू और इसको TMQ को भी TMP ही लिख दो, एंगल TMP प्लस एंगल TMP इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट अप्लाइज दैट क्लोज ऑफ एंगल TMP इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 290 का हो गया, तो एंगल TMP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। आप ये देखिएगा, जब ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90, इधर वाला भी 90 और इधर वाला भी 90, ये हो गया। अच्छा, फिर मैं क्या कह सकता हूं कि हमारा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहां से मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं, इसकी तरफ क्योंकि ये वाला तो 90 आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता शायद उसके बिना हो जाए, कोशिश करता हूँ, लेकिन करेंगे तो हो ही जाएगा, वो तो पता है। आप लोग देखिए, चलो इसको कर लो कॉन्ग्रुएंट, ये OMP और OMQ दो ट्रायंगल ले लो। Now, in triangle OMP and triangle OMQ, ये दो triangles ले रहे हैं, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा angle OMP, angle OMP is equal to angle OMQ, both equal to 90 degree, दोनों 90 degree के equal है, पहली चीज तो ये हो गई, है ना। और उसके बाद मुझे नोटिंग कर देख ले, रन करता है, मैं कर रहा था आगे। तो एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMP, ये तो 90 डिग्री हो गया। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि एंगल OPM, एंगल OPM ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OQM ये वाला एंगल,
रीजन में लिखेंगे कि ट्राइंगल OPQ ये तो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल एंड बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल और इक्वल, हाँ वो भी लिख सकते, वो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, या तो ये लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल और या फिर आइसोसेलस ट्रायंगल के बेस, तो ये भी हमारा रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटी से ही काम चल जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में तो साइड्स भी इक्वल आ जाती है, लेकिन सिमिलैरिटी से काम चल जाएगा क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double similarity criteria triangle OMP is similar to triangle OMQ, triangle OMP is similar to triangle OMQ, जब ये सिमिलर हो गए तो इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, it implies that angle BOM is equal to angle QOM, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर इक्वेशन पर वन बोलो और तो कुछ मैंने दिया ही नहीं। इसके बाद देखिएगा अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ट्रायंगल, मेरे को एंगल ये निकालना है OPQ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल OMP, सिर्फ OMP देख लो, OMP छोटा वाला ट्राइंगल है OMP, इसमें मैं कहूंगा एंगल POM प्लस एंगल OMP प्लस एंगल OMP प्लस एंगल OPM प्लस एंगल OPM इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज एन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए POM इसको तो सिर्फ POM में लिखा रहा है, एंगल POM प्लस एंगल OMP ये है 90 डिग्री प्लस ये जो एंगल OPM लिखा है ना, तो इसको मैं OPQ भी को लिख सकता हूँ क्योंकि लाइन को सेम साइड ही है, तो OPM भी को या OPQ भी को एक ही बात है। मैं इसको लिखूंगा एंगल OPQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा कि अब मुझे चाहिए ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ट्वाइस ऑफ एंगल POM वाइस ऑफ एंगल POM प्लस 182 कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, मैंने दोनों तरफ उनसे मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। निकालना है वाइस ऑफ एंगल OPQ, तो वाइस ऑफ एंगल OPQ को इधर रखकर बाकी सारे टर्म्स उस तरफ ले जाओ राइट हैंड साइड, twice of angle OPQ twice of angle OPQ is equal to 360 minus 180 कितना हो गया 180 डिग्री और minus twice of angle POM minus twice of angle POM ये हो गया। ये जो twice of angle POM है ना, इसको क्या कह सकता हूँ 180 डिग्री minus माइनस एंगल POM प्लस एंगल POM, ये कहा जा सकता है,
एंगल पी वन प्लस एंगल पी वन बोला जा सकता है ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एम को, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए पी ओ एम और क्यू एम दोनों इक्वल है, तो पी ओ एम को पी ओ एम लिखा रहता था और इस पी ओ एम को बना दो क्यू ओ एम, इसकी जगह लिख दो क्यू ओ एम फ्रॉम इक्वेशन वन क्योंकि दोनों इक्वल है। 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल क्यू ओ एम, रीजन में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ क्या आ गया 180 डिग्री। ये मैंने क्यों करा है क्योंकि मैं जानता हूँ पी ओ एम और क्यू ओ एम ये दोनों इक्वल है और इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया पी ओ क्यू के इक्वल, तो माइनस एंगल इन दोनों का सम हो गया, माइनस तो बाहर है और इन दोनों का सम हो गया पी ओ क्यू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन वो थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। तो मेरे पास अभी आर एच एस आया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं बात करूंगा क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू की, ओ पी टी क्यू की। अब आप समझ गए होंगे कि आप क्या करने वाले हैं, सबको ऐड कर दो, यही वैल्यू आ जाएगी। से देखिए कैसे करना है, जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो हम ये कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल को ऐसे बॉक्स बनाते हैं। स्टार्टिंग में कहा था कि बता दो कि कैसे होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल OPTQ एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल PTQ और प्लस एंगल OQT, ये वाला है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन सबका सम 360 डिग्री के बराबर प्लस एंगल OPT इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए POQ, POQ को तो POQ ही रहने दो, एंगल POQ एंगल OPT है 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ को PTQ ही रहने दो प्लस एंगल OPT है 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल PTQ छोड़िए बस इस तरफ इधर हो जाएगा 360 90 प्लस 90 180 उधर जाकर माइनस 180 और ये POQ उधर चला जाएगा माइनस एंगल POQ, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल POQ, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो देखिएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ ये भी 180 माइनस POQ के बराबर और एंगल PTQ ये भी 180 माइनस POQ के बराबर, तो हम ये कहेंगे इक्वेटिंग नंबर 3 एक ही बात है, इक्वेटिंग करो या कंपेयरिंग करो वो एक ही बात है, उसमें कोई नहीं। सर जैसे आपने पहले बता दिया था तो उसके बारे में सिर्फ दिखाने की जरूरत है, पहले मैंने बता दिया, लेकिन क्या है ना कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटर है ना जो सर्कल के अंदर इस तरह का क्वाड्रिलेटर बनता है, तो ये आधा का क्वाड्रिलेटर सर्कल के अंदर है और आधा सर्कल के बाहर है, समझ रहे हैं। तो इसको मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं बोल सकता, मैं जानता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो वाला क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों साइड चारों जो कॉर्नर है वर्टिसेस है वो सर्कल पर टच कर रहे होते हैं, उनमें तो मैं कह सकता हूँ कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ठीक है, लेकिन ये हमें भाई प्रैक्टिस पता है कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, इन दोनों का सम तो 180 हो गया, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होने के लिए ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता ही हम जानते हैं, लेकिन ये कोई थ्योरम नहीं है, ये कोई थ्योरम नहीं है। तो इसी वजह से मैंने क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी बताकर ये दो स्टेप मेरे पास एक्स्ट्रा हुआ है इस चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई थ्योरम नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली लिख लूंगा तो हो सकता है मार्क्स काट लिए जाए, तो इसलिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। पूरा सॉल्व करने के बाद
ये भी 180 माइनस पीओ क्यू के बराबर, ये भी 180 माइनस पीओ क्यू के बराबर, यानी कि दोनों की एलएचएसपी बराबर हो गई। इसको इक्वेटिंग भी बोल सकते हैं, कंपेयरिंग भी बोल सकते हैं, समझ गए ना। तो मैं इसलिए डायरेक्टली उसको लिख नहीं रहा, नहीं तो मैं भी आ गया था समझ में कि मैं इसको यहीं पर कर सकता था एंगल थीटा को। लेकिन हमें करना क्या है, हमें अपनी बात टीचर को समझानी है, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिखना है, समझ गए ठीक। ये चीज ट्रू होगी। अब आप देखिएगा कि इसमें मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं, देखो ऐसा होता है कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉप करे जाते हैं दो, तो वो टेंजेंट तो इक्वल होते हैं, वो तो हमें पता है कि वो टेंजेंट इक्वल होते हैं। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सर्कल को ज्वाइन कर, सर्कल के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, दैट इज इक्वली इंक्लाइंड विद द टेंजेंट, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। एक चीज तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। फिर मैंने क्या करा, मैंने पी और क्यू को ज्वाइन कर लिया, पी और क्यू को ज्वाइन कर लिया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये और ये एंगल 90 डिग्री है, तो उसको प्रूव करने के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, PP इज इक्वल टू PQ टेंजेंट फ्रॉम P, और TM इज इक्वल टू TN कॉमन साइड। तो हम ये बोलेंगे साइड एंगल साइड, तो ये ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, तो यानी कि इसका सम और इसका सम भी इक्वल होगा 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर में। ठीक वैल्यू होगा ना थोड़ा, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल होगा, ये 90 हो गया, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है तो ये भी 90, तो ये चारों एंगल 90-90 के हो गए। वो करने के बाद में, वो करने के बाद फिर ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करा। तो देखिए कैसे, हमने कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ओपी और ओपी इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, पहली चीज, ये 90 और ये 90, दो दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, तो भाई डबल सिमिलरिटी, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर होते ही मैं कहूंगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सिर्फ ये वाला एंगल निकाल दिया POM, जिसको PO, POM, POM निकाल दिया। तो इधर से मैंने यहाँ एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM ये निकाल लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद देखिएगा कि मैंने ट्राइंगल OMP में यहाँ पर जब हमने एंगल से प्रॉपर्टी लगाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से मैं OPM निकालूंगा, पहले दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगल POM इसका ट्वाइस हो गया, ये 90 डिग्री है इसका ट्वाइस 180 डिग्री हो गया, ये OPM को मैंने OP क्यों लिख दिया इसका ट्वाइस हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री का ट्वाइस, यानी कि 360 ये हो गया। यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ निकाल रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ ये निकल गया मेरे पास 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल POM। फिर POM और QOM इक्वल है, तो मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल POM को एंगल POM प्लस एंगल POM लिख दिया, इस एंगल POM को ऐसे ही रहने दो, इस एंगल POM को एंगल QOM लिख दो, समझ गए। फिर POM मतलब ये और QOM मतलब ये, इन दोनों का सम क्या है, POQ के बराबर, तो ये हो गया 180 माइनस POQ, ये इक्वेशन टू हो गई। उसके बाद ये जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल है OPTQ, इसमें मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, चारों एंगल का सम 360 डिग्री, आगे का तो समझ गया ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेंथी है, ये चार नंबर की वेटिंग वाला क्वेश्चन है, और देखने में लगता है कि भाई क्वेश्चन जो है वो आसान है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आप आरडी में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे तो इतने मुश्किल से मुश्किल 8-10 लाइनों में कर दिया इसको फटाफट, वो सिमिलरली करके लिख देते हैं उन्होंने, ट्राइंगल ना तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे ना सिमिलर प्रूव करे, लेकिन आपको सब कुछ करके दिखा, समझ गए।
उसके बाद देखेंगे। बता ऑनलाइन वालों को क्लियर है सबको, बताइए। यस सर। यस सर। रुद्रांश, दिवस। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2014 में भी आया है, 2016 में भी आया है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। एग्जांपल नंबर 20, इसमें काफी चीजें एग्जांपल 19 से मिलती हुई हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में तो प्रूव करनी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल 19 में वो चीज करी है। मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ, इधर से मिटा रहा हूँ इसको। कौन सा क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, मैं चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसे किसी क्वेश्चन में करी थी 19, तो वो मैं बता दूँ कैसे। एग्जाम्पल नंबर 20 में है, पीक्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of radius 5 centimeter full stop. The tangents at P and Q intersect at a point capital T. The tangents at P and Q intersect at a point capital T. Full stop. Find the length PP. बोला PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at a point capital T. तो capital T क्या है? एक बाहर point है. तो जो P और Q पर tangent डाली जा रही है, वो point T पर, P और Q पर जो tangent डाली जा रही है, वो point T पर intersect कर रही है. यानी कि वो T से आ. बिल्कुल सेम डायग्राम जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इधर पॉइंट टी ले लो, एक टेंजेंट लिए, का सेंटर जो है वो है O। अब इन्होंने क्या बोला कि एक तो इधर पॉइंट है P और इधर है Q, तो P और Q को जॉइन कर लीजिए, P और Q को जॉइन कर लीजिए। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखो मैं ना इधर ये लिख रहा हूँ, इस तरह कंसेप्ट कर रहा हूँ कि ये जो PQ है, जो कॉर्ड है, ये 8 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड अलग लिख रहा हूँ, और जो रेडियस है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तब वो बोल रहे हैं कि आपको बताना है फाइंड द लेंथ टीपी, आपको टीपी की लेंथ बतानी है। तो टीपी की जो लेंथ है उसको एक्स मान लो, मेरी बात सुनकर मैं कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो टीपी है इसकी लेंथ को मैंने एक्स मान लिया। उसके बाद देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम मेरे को प्रोसीजर फॉलो करना है जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में करा, वो क्या है, क्या एक मेरे को ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि ऑपोजिट 90 बन जाएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वो चीज आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप जानते हैं कर लेंगे। देखो कैसे, आप कहोगे TP इज इक्वल टू TQ,
फिर आप बोलोगे पी, अगर ये बीच वाला पॉइंट है इसको आप तो पी क्यू आर बोल दीजिए, चलिए बीच वाले पॉइंट को, तो हम ये कहेंगे कि पी आर इज इक्वल टू पी आर, और ये जो बीच वाला एंगल है ये और ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला जो स्टेप है वो मैं छोड़ रहा हूँ, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर एंगल 90-90 आ गए, साथ में जो कॉन्ग्रुएंट में सारी साइड्स इक्वल आ जाती है तो पी आर और आर क्यू ये भी इक्वल आ गया, तो बेटा ये भी 4 हो गया और ये वाली साइड भी 4 हो गई, भाई टोटल 8 सेंटीमीटर था तो ये भी 4 और ये भी 4, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी वाला जो स्टेप है वो छोड़ दिया है, उसके बाद में सीधा पाइथागोरस लगाऊंगा, ये सब क्लियर है, उसके बाद में पाइथागोरस लगाऊंगा और किस तरीके से आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर इसे लेकर आर तक वाली जो लेंथ है इसको मैं बोल देता हूँ वाई, तो यहाँ पर लिखिएगा लेंथ EP is equal to X and PR is equal to Y। ये जो ऑनलाइन वाले बैठे हुए हैं बता दीजिए बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, ठीक है। दिवस, लक्ष्य, रुद्रांश, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ रोहन बताओ। सर्कल जहाँ पर लाइन को कट कर रहा है, लाइक ये वाली टेंजेंट पी और ओ को, अच्छा पी और ओ आर पे, आर पे सर्कल जहाँ कट कर रहा है, अच्छा ये वाला जो है, ठीक है, इसको क्या कुछ मान लो, ठीक है, वो पॉइंट और x मान लो कि x y, अच्छा अच्छा सर सॉरी हो जाएगा, नहीं 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 मैं बताऊं क्या, ये हम इस पॉइंट को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे ना ट्रायंगल में पूरी साइड की लेंथ चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि तुम इसको कह दो कि मैं इसको y मान लेता हूं सिर्फ इतने को, तो ये पूरी लेंथ y + 5 हो जाएगी, ठीक है, अब तुम्हें काम पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप एक ट्रायंगल लेंगे पी आर टी, तो आपके पास सीधे सीधे ये टी से लेकर आर तक वाली लेंथ वाई होगी, पी आर इक्वल टू वाई, है ना, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। मेरा फोकस किस पर है कि मुझे तो एक्स निकालना है, वाई निकले ना निकले मुझे उससे मतलब नहीं। सर ये क्या रहा क्या, जो ये लेंथ टी से लेकर और इस पॉइंट तक को आप वाई मान लो, तो यहाँ से ओ से लेकर और यहाँ तक का तो रेडियस है ना 5 सेंटीमीटर, और सर वो किया जाएगा वो ये वाला तो आपका 3 आ गया इसमें लगाकर, ठीक है, चलिए पहले इसी में लगाओ। हम ये कहते हैं इन ट्रायंगल पी ओ पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, ए आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। ये जो RP है, ये RP है 4 का स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, मुझे नहीं पता कितना निकालना है, और PO कितना 5 का स्क्वायर, RO स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो RO इज इक्वल टू अंडर रूट 9, यानी कि RO आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3। मैं PR को y लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना ही लेकर चल रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ इसको, करिए आपको तो फटाफट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिएगा इन ट्रायंगल पी आर टी
स्क्वायर पे इसे क्या लेते हैं तो ये जो PR है ये कितना है भाई y स्क्वायर प्लस PR कितना cos स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर ये हो गया अब यहां से मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर ठीक है और अब एक काम करेंगे यहां से आप एक काम करो x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई y स्क्वायर प्लस 16 इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 फिर आप ये कहिए कि पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लो ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी टी तो मैं ये जानता हूं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है तो ये तो ट्रायंगल ओ पी और टी है ये भी तो राइट ट्रायंगल बन गया पूरा ट्रायंगल तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी ये पूरी लंबी साइड टी से लेकर ओ तक ठीक है तो हम ये करेंगे ट्रायंगल ओ पी टी तरफ टीओ हाइपोटेन्यूज हो गया बिल्कुल सही तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी पी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओ स्क्वायर अब ओ पी क्या है रेडियस यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस पी पी क्या है एक्स एक्स का स्क्वायर और ये जो टी ओ है ये इसको क्या कह सकते हैं आर प्लस आर ओ आर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो टी आर है यहाँ तक इसको बोलते हैं वाई तो वाई प्लस टी पर होल स्क्वायर और आर ओ जो है ये है 3 वाई प्लस टी का होल स्क्वायर अब यहाँ लगा दो ए प्लस टी का होल स्क्वायर 25 plus x square is equal to a plus b ka whole square ka ho jayega y square plus 3 square plus 2 into y into 3 ठीक है तो ये हो गया x square की वैल्यू निकालिए यहां से क्या आ जाएगा y square plus 9 plus 6y और 25 उधर चला गया तो माइनस का 25 यानी कि x square की वैल्यू आ गई y square plus 6y और 9 माइनस 25 कितना हो गया 16 ये भी माइनस का इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2 अब देखो हाँ इक्वेशन नंबर 1 से भी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 2 से भी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आप कहेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2 इक्वेटिंग 1 एंड 2 मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया फर्स्ट और सेकंड को तो यहां से वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस 16 is equal to y square plus 6y minus 16 y square plus 6y minus 16 y square से y square कट गया ठीक है और 6y is equal to 16 plus 16 हो गया तो y is equal to हो गया 32 upon 6 into 16 का 32 2 दिया तो y की वैल्यू आ गई 16 upon 3 ठीक है मुझे y तो नहीं निकालना था मुझे तो ये निकालना था tp तो TP मतलब क्या मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा मैं y की उस वैल्यू को इसमें डाल दूंगा बीच में इक्वालिटी साइन था ओके जब दोनों एक तरफ होते तब होता अब देखिए इक्वेशन 1 पुट दिस वैल्यू फर्स्ट इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिएगा x square is equal to y square plus 16 x square is equal to 16 upon 3 का whole square plus 16 x square is equal to 16 का square होता है 256 upon 9 plus 16 x square is equal to 256 plus 16 9 का होता है 144 upon 9 256 plus 144 कितना हो गया
400 अपॉन 9 तो x कितना हो गया 400 का स्क्वायर रूट 20 9 का स्क्वायर रूट 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर आ गया ये आ गई थी की लेंथ बताइए बेटा समझ में आ गया ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए यस सर यस सर ठीक है जी इसके बाद देखिए मोर और लेस सारे ही क्वेश्चन एक ही जैसे हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है सर हाँ जी अगर ये लास्ट में आप नीचे से जब से रेशियो अंडर रूट करते हैं फिर तो नीचे हमें रेशियो लेस करना पड़ता है अगर अंडर रूट का टर्म अगर अंडर रूट अगर कोई अंडर रूट वाली टर्म आती तो रेशनलाइज सर ठीक है ठीक है वो ये बोल रहे हैं कि अगर नीचे कोई अंडर रूट वाली टर्म आ जाती फॉर एग्जाम्पल नीचे 9 ना होकर मान लो 8 होता तो 8 होता है या मान लो 7 होता है तो उसका रूट लेते हैं तो रूट 7 तो रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते रैशनलाइज करते करते मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट 7 से मल्टीप्लाई करते अगर रूट 7 होता तो हाँ जी अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो सर्कल्स वाला चैप्टर है सर्कल्स वाले चैप्टर में दो एक्सरसाइज है 8.1 और 8.2 8.1 बेहद आसान एक्सरसाइज है ठीक है 8.1 में सिर्फ वही है फॉर्मूला ये रेडियस में और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनता है सिर्फ 8.2 के सारे एनसीईआरटी और सारे सीबीएसई वाले क्वेश्चंस कर लीजिए सारे ही हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं बल्कि उससे ज्यादा कर चुके हैं ठीक है सर्कल्स मेरी तरफ से कंप्लीट है किसी को कोई भी डाउट हो आज करो कल पूछ लेना ठीक है आज बैठकर इसको सर्कल्स को निकाल दूंगा ताकि सर्कल्स की टेंशन खत्म हो जाए मैं फोटो भेज देता हूँ आरडी की एक्सरसाइज 8.2 की फोटो अभी भेज रहा हूँ आपको इसमें जितने भी एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चन है वो सारे करेंगे कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है या सारे टफ लगते हैं तो पूछ लेना सब करा देंगे सर आपको ईपी एफ कराऊंगा ना ईपी कराऊंगा पहले उसने रोहन ने बहुत दिनों से कोऑर्डिनेट बोल रखा है वो कर लिया सर कर ली कोऑर्डिनेट सर करा दो कोऑर्डिनेट तो उसके साथ तीन फॉर्मूले हैं वो चलो